हाय गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपना ग्लूकोज लेवल या अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में ला सकते हैं और कैसे आप आपका जो 3 महीने वाला एवरेज HbA1c वैल्यू है उसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहली चीज, अगर आपको आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में लाना है तो आपको पहले जो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि क्या चीज़ खाने के बाद आपकी इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, उसको अवॉइड करना है। तो दो तरह के टेस्ट आप घर पर ही कर सकते हैं ग्लूकोज मॉनिटर से। पहला, आप सुबह खाली पेट ग्लूकोज चेक कर सकते हैं और दूसरा, आप खाने के 2 घंटे बाद चेक कर सकते हैं अपनी शुगर लेवल। तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ से आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है और अगर कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपकी डाइट में एक कॉम्बिनेशन जो क्रिएट करें खाने का, उसके अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए और साथ में कुछ गुड फैट्स इंक्लूड होने चाहिए। यूजुअली देखा गया है जो प्री डायबिटिक्स होते हैं या डायबिटीज जिनको होती है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कहीं ना कहीं इंपेयर्ड आता है, तो उस केस में गुड फैट लेना बहुत जरूरी है। ये सारे सोर्सेज हैं गुड फैट के, आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी बैलेंस होती जाएगी और साथ साथ आपका ग्लूकोज लेवल भी इंप्रूव होगा। नंबर 3 है कि जो आपकी डाइट आप ले रहे हो उसको आप कोशिश कीजिए कि लो कार्बोहाइड्रेट लीजिए। जैसे अगर आपका स्टेपल फूड राइस है या रोटी है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि नॉर्मल आटा रोटी लेने की बजाय उसमें ओट्स का आटा मिला सकते हैं, या अगर आप सुबह नाश्ते में किसी टाइप का सीरियल लेते हैं तो उसको रिप्लेस करके स्टील कट ओट्स ले सकते हैं। अगर आप राइस खाते हैं एज अ स्टेपल फूड तो राइस को रिप्लेस करके ब्राउन राइस ले सकते हैं या इवन आप उसको कॉलीफ्लावर राइस भी ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके अलावा 4th चीज़ है वो आपकी एक्सरसाइज रूटीन है। आप साथ साथ बॉडी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हैं आपकी रूटीन में और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके साथ। लास्ट, आपकी डाइट में इंटरमीडिएंट फास्टिंग इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप खाना 5 मील में खाते हैं तो उसको आप 3 मील में कीजिए। धीरे धीरे 3 मील से दिन, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इंटरमीडिएंट फास्टिंग कीजिए। एक 16:8 का जब आप फास्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो हीलिंग फेज में जाएगी और आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा एलिवेट होने का रीज़न नहीं मिलेगा। तो जो कि हील हो रहा होगी आपकी बॉडी, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता जाएगा।